आइए अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में कौन कौन से वरिष्ठ विधायक स्थान पा सकते हैं। दुर्ग शहर से चुनाव जीत कर आए हैं अरुण बोरा, ये तजुर्बेकार विधायक हैं, हाई कमान की इनके साथ बेहद नजदीकियां हैं और इनके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि ये राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासन मोतीलाल वोरा के बेटे हैं, इनकी छवि भी स्वच्छ मानी जाती है। चरणदास महंत। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, प्रशासनिक इनको अनुभव अच्छा है, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी रहे, एमपी में गृह मंत्री का अनुभव भी इनको है और इनको पूरी उम्मीद है कि विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाए। सत्यनारायण शर्मा। ये अनुभवी विधायक हैं, दिग्विजय सिंह और अजीत जोगी की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, इनका मिलनसार व्यक्तित्व है। रविंद्र चौबे के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको जनसंपर्क या पीडब्ल्यूडी विभागों में से कोई एक का कामकाज दिया जा सकता है क्योंकि ये इसमें अनुभव रखते हैं और इनका तजुर्बा भी ऐसा है कि इसकी वजह से इनको विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। पांचवा एक बड़ा नाम है धनेंद्र साहू, पार्टी की ये बहुत वरिष्ठ नेता है, अजीत जोगी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, पीसीसी अध्यक्ष भी रहे, प्रदेश में सियासी तौर पर शक्तिशाली माने जाते हैं और साहू समाज का भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। एक और नाम है जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है, ये नाम है शिव डहरिया का, सतनामी समाज से वो अनुभवी विधायक है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए इनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आरंग विधानसभा सीट जो भाजपा के खाते में थी, पिछली बार बड़े अंतर से यहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इन्होंने इस सीट को अच्छे मार्जिन से कांग्रेस के पाले में डाला है। अमरजीत भगत, इनको तेज तर्रार नेता माना जाता है, आदिवासी समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, सरगुजा संभाग में भी इनका अच्छा वर्चस्व है और सरगुजा में जो कांग्रेस ने 14 की 14 विधानसभा सीटें जीती उसमें इनका भी अच्छा खासा योगदान माना जा रहा है। खेल सहाय सिंह अनुभवी विधायक हैं और सरगुजा संभाग से हैं, मंत्रिमंडल के लिए इनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, इन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो भी अच्छे मार्जिन से जीता है। लखेश्वर बघेल दूसरी बार विधायक बने हैं, आदिवासी समाज में इनकी अच्छी पकड़ है और इनकी छवि जो है वो इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। एक और सबसे बड़ा नाम जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है वो है उमेश पटेल। उमेश पटेल एक युवा चेहरा है, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं और वहां पर जो भाजपा ने बड़ा चेहरा ओपी चौधरी के रूप में उतारा उसके बाद उमेश पटेल को खरसिया विधानसभा सीट बचाने की चुनौती थी और उन्होंने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार किया और फिर जीत हासिल की, लिहाजा युवाओं के रूप में उमेश पटेल एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। प्रेम साय टेकाम जोगी सरकार में कृषि मंत्री थे, 6 बार वे विधायक रहे और सरगुजा में ये सक्रिय विधायक हैं, आदिवासी समाज में भी इनकी अच्छी पकड़ देखी जा सकती है। जो बड़े चेहरे हैं उनमें है मोहम्मद अकबर, ये कवर्धा से इस बार चुनकर आए हैं और सबसे बड़े मार्जिन से करीब 60,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है, कवर्धा में जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गृह नगर था वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल की और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, लिहाजा इनकी दावेदारी भी जो है वो बहुत मजबूत मानी जा रही है। अमितेश शुक्ल एक अनुभवी नेता है, जोगी सरकार में ये भी मंत्री रह चुके हैं, शुक्ल परिवार के ये सदस्य हैं और इस बार चुनाव भी इन्होंने करीब 58,000 वोटों से जीता है, वहीं इनके साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि इनके पार्टी आला कमान से भी बेहतर संबंध है। कवासी लखमा लगातार 4थी बार विधायक बनकर आए हैं, ये दूर नक्सली इलाके से आते हैं, सदन में अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान में
उपनेता प्रतिपक्ष भी रहे। इनके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि ये आदिवासी चेहरे के रूप में एक बड़ा नाम है।